नमस्कार दोस्तों, होनवाई एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल लॉजिक, और मैथमेटिकल लॉजिक में आज हम अपना अगला पार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का बेसिक और एक्सरसाइज 1.4। दोस्तों आज का वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक आपने जो किया वो हार्डली एक या दो क्वेश्चन में, एक या दो मार्क्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। लेकिन अब जो हम करने वाले हैं ये बहुत ही कमाल क्वेश्चन है, और एग्ज़ाम में इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनता ही है। तो आपको बिल्कुल ध्यान से इसको समझ लेना है, और जो लॉ है सारे के सारे लॉ समझ लेना है, क्योंकि वो सारे लॉ आपको लगाने हैं और तब जाके आप आंसर्स निकाल पाओगे। हालांकि डरने वाली कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन हाँ आपको जो लॉ दे के रखे वो याद करना होगी। मैं हालांकि जिस तरह से आपको बताऊंगा तो वो ऑलरेडी आपको याद हो जाएंगे, सिर्फ नाम आपको समझने की ज़रूरत है। मैं जिस तरह से उनको बताऊंगा आपको, डेफिनेटली आपको वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल, साथ ही में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों अब मैं पवनवाई अकेडमी के साथ साथ अनअकेडमी पर पढ़ा रहा हूँ, और अगर आप मेरे सब्सक्रिप्शन कोर्सेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप अनअकेडमी का सब्सक्रिप्शन कोर्स लीजिए, और वहाँ पर आपको मतलब स्पेशली जो 11th 12th के बच्चे उनको मैं कहना चाहूँगा, मैं 11th 12th कैटेगरी में नहीं पढ़ाता हूँ और न ही मैं IIT JEE में पढ़ाता हूँ, मैं फाउंडेशन NTSC में पढ़ाता हूँ। लेकिन हाँ आपके छोटे भाई बहन अगर उनसे पढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट नीट और JEE की तैयारी कर रहे हैं तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा कि आप घर बैठ कर बहुत अच्छे से आपकी नीट की और JEE की तैयारी कर लोगे और उसको क्वालिफाई भी कर लोगे, ये पूरा विश्वास है मेरा। ठीक है, बाकी डिटेल्स के लिए आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर डिटेल मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको मदद करूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बढ़ते हैं आगे, आज का जो टॉपिक है वो करते हैं शुरू। क्या दे के रखा है, स्टार्टिंग किससे है? तो सारे लॉ जो दे के रखे ना आपको, एक एक लॉ को आपको समझ लेना है। ठीक है, जैसे पहला दे के रखा है लॉ, फर्स्ट लॉ दे के रखा है, दैट इज आइडेम्पोटेंट लॉ। अब आइडेम्पोटेंट लॉ क्या है? अगर पी एंड पी है तो उसको वो पी के इक्वल होता है, पी और पी हो तो भी पी के इक्वल होता है। मतलब कैसा हो गया, देखिए अगर मुझे एक बात बताओ, मैं एंड की बात कर रहा हूँ, ये पहला वाला लॉ जो लगाया है कि अगर मैं ट्रू और ट्रू एंड ट्रू लिखूँ तो डेफिनेटली ट्रू ही आएगा, और अगर मैं ट्रू और ट्रू लिखूँ तो डेफिनेटली ट्रू ही आएगा। तो ये दोनों केसेस में सेम है, तो यहाँ अगर दोनों सेंटेंस सेम है, दोनों स्टेटमेंट सेम है, तो फिर पी एंड पी भी पी होता है और पी भी पी ही होता है। तो ये बहुत ध्यान से समझ लेना, ठीक है, आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक, इसको लिखते समय मतलब जब भी आप कोई भी रूल लगाते हैं तो वहाँ रीज़न लिखना होता है। आपको याद है हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हम साइड में लिखते हैं फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, तो बिल्कुल वैसे ही आपको फ्रॉम आइडेम्पोटेंट लॉ ऐसा लिखते चलना है। ठीक है, हालांकि कोई डरिए मत, मैं आपके साथ हूँ। देखिए अगला वाला क्या बोलता है कि यहाँ अगर ऐसा हो कि पी और क्यू हो तो वो क्यू और पी के इक्वल होता है। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे, मुझे एक बात बताओ, अगर टी और फॉल्स हो तो क्या होता है, टी और फॉल्स हो तो क्या होता है, ट्रू होता है, और अगर फॉल्स और टी हो तो भी क्या होता है, तो भी ट्रू होता है। तो क्या है, दोनों इक्वल नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो इसीलिए ये जो अगला वाला है जिसको हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। अभी कम्यूटेटिव लॉ आपने ऑलरेडी पढ़ा है बेटा, कैसे पढ़ा है बताता हूँ मैं। पी और क्यू हो तो क्यू और पी के इक्वल होता है, और पी एंड क्यू हो तो क्यू एंड पी के इक्वल होता है। भाई देखो और में रूल क्या कहता है, और में रूल कहता है कि एक भी फॉल्स आता है, एक भी ट्रू आता है तो ट्रू हो जाएगा, और एंड में क्या बोलता है, एक भी फॉल्स आएगा तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, बाकी ट्रू ट्रू रहेगा तो ट्रू ही रहेगा, फॉल्स फॉल्स रहेगा तो फॉल्स रहेगा। अब मुझे एक बात बताइए, अब देखिए मैंने आपको कहा कि आपको कम्यूटेटिव लॉ आता है, किया है आपने पहले? हाँ सर, नाम तो सुना है, नाम सुना नहीं, बताता हूँ। 2+3 5 होता है, 3+2 भी 5 होता है, बिल्कुल वही। 2×3 6 होता है, 3×2 भी 6 होता है। तो यहाँ एंड लगे या और लगे आप उनको फ्लिप कर सकते हैं। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ ये दो स्टेटमेंट्स के बीच में बनेगा। ठीक है, ऊपर वाला लॉ आइडेम्पोटेंट लॉ खुद के एक ही के स्टेटमेंट का होता है, खुद के साथ और या खुद के साथ पी तो वही रहेगा। अगर कोई सेंटेंस है खुद के साथ ही उसका और बनाया, खुद के साथ ही पी एंड बनाया, तो वो वही सेंटेंस स्टेटमेंट रहता है। और यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ में फ्लिप हो जाते हैं, है ना, हम जैसे लिखते थे कि 2+3 5 तो 3+2 5, तो बिल्कुल ऐसी पी एंड क्यू, तो आप उसको क्यू एंड पी लिख सकते हैं, और क्यू और पी होगा तो पी और क्यू लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम उसको बदलेंगे। अब आप सोचिए सर इसका क्या यूज़ है, चिंता मत कीजिए, आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना वहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, इसमें अगला लॉ लेते हैं कम्यूटेटिव लॉ के बाद में एसोसिएटिव लॉ। अब देखिए कम्यूटेटिव लॉ जो था उसमें दो सेंटेंस होते हैं, एसोसिएटिव हमने किए हैं, कैसे किए आपको याद होगा, दैट इज इस तरह से करते थे कि 2 प्लस
3 प्लस 5 ये इक्वल होता था 2 प्लस 3 प्लस 5 के, दोनों कंडीशन में आंसर 10 आ रहा है। तो यहाँ पर तीन स्टेटमेंट होंगे बेटा, देखो पहला वाला P एंड Q एंड R, तो वो P एंड Q के इक्वल होगा एंड R के इक्वल होगा, मतलब आप आगे पीछे भाई ऐड करते थे ना, हम तो क्या करते थे ऐड करते समय, हम पहले वाले दो को ऐड करें या पीछे वाले दो को ऐड करें, हमारा आंसर तो सेम ही आता था। तो इसके लिए ये जरूरी है कि इसको समझ लो, नाम क्या है, एसोसिएटिव लॉ। तो जिससे एंड में लगता है बिल्कुल वैसा ही और में भी लगता है, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा एंड के लिए देख रखा है, ठीक है, पूरा का पूरा एंड के लिए देख रखा है, और नीचे वाला देखो सब पूरा का पूरा और के लिए देख रखा है। लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर तीन स्टेटमेंट में ये लगेगा, ठीक है, बहुत हार्डली एक दो क्वेश्चन आएंगे जिसमें लगने वाला है, सब जगह नहीं लगेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आपने किया, आप डिस्ट्रीब्यूट करते थे, जैसे मैं आपको बताऊँ हमने टू का मल्टीप्लाई किया, हम ऐसा करते थे, याद है आपको इस तरह से कि टू का मल्टीप्लाई किया थ्री प्लस फाइव में, तो हम ऐसे करते थे टू इंटू थ्री और टू इंटू फाइव। तो बिल्कुल देखो अब ये जो P है, P एंड है, तो यहाँ Q है, तो एक बार P एंड Q ले लो तो P एंड Q हो गया, फिर ये बीच का और यहाँ लगा दो और फिर एक बार P एंड R ले लो, तो इस तरह से बहुत सिंपल है बेटा, बहुत ही सिंपल है। आप बस देखते रहिए, सीखते रहिए, मैं आपके साथ हूँ और पूरा बेसिक आपको बता रहा हूँ, ये आपको याद ही हो जाएगा, सिर्फ नाम याद रखना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी दो टाइप का होगा। अभी जैसे यहाँ पर ये कौन सा है जो पहला वाला लगा, ये कौन सा बेटा, ये पहला वाला देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट वाला एंड के लिए लिखा है, ये पी एंड क्यू और आर है, एक लगेगा पी और क्यू एंड आर, देखो पी और क्यू एंड आर, ये पी और क्यू एंड आर के लिए लगा है, तो ये पी और क्यू हो जाएगा एंड पी और आर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल हम ध्यान सबको समझ लेना, एक बार ये आपने कर लिया कि आपका पूरा ये चैप्टर बहुत ईजिली हो जाएगा, सिर्फ इस टेबल के ऊपर ही पूरा का पूरा चैप्टर है। फिर बात करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ की, डी मॉर्गन्स लॉ हमने सेट थ्योरी में किया है ना, मैंने पिछले इसमें आपको बताया था, डी मॉर्गन्स लॉ तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डी मॉर्गन्स लॉ है ये, क्योंकि पिछले इसमें भी हमने इसको यूज़ किया था। क्या होता है ये, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू अगर हम करते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, और वैसे ही निगेशन ऑफ पी और क्यू अगर हमने किया तो होता है निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ है, इसको अच्छे से कर लो, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ये जिस तरह से पाइथागोरस थ्योरम हमने पूरे ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ किया बहुत ज़्यादा, यहाँ पर मैथमेटिकल लॉजिक में ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो बहुत बढ़िया है ये, इसको चिंता मतलब मैं बता रहा हूँ ये पूरा टॉपिक अपने आप में बहुत बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ क्या है, अब ये आइडेंटिटी लॉ अपने को बनाना है तो उसको जरा समझ लो, ये भी लगता है बहुत जगह पर, तो कैसे होगा समझ लो इसको। पहला वाला क्या बोलता है कि पी एंड टी हो तो पी होगा, देखो भाई पी एंड टी जो होता है वो क्या होता है, पी के इक्वल होता है। आप लोग सर ऐसे कैसे, पी के इक्वल क्यों, मुझे बात बताओ, अगर ट्रू एंड फॉल्स है ना, ट्रू यहाँ पर मैंने लिख के रखा है, अगर यहाँ पर मैं रखूँ कि ट्रू एंड ट्रू और मैं रखूँ फॉल्स एंड ट्रू, पहले केस में आंसर क्या आएगा, ट्रू एंड ट्रू का ट्रू आएगा, दूसरे केस में आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। देखो पहला जो है, जो पहला है आंसर वही है, जो पहला है वो आंसर ही है, तो इसके लिए पी एंड टी में आंसर क्या होगा, पहला वाला पी के ऊपर, सारा का सारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, सारा का सारा डिपेंड करता है ये पहले वाले पर, पहला वाला जो होगा आंसर वो आएगा, तो पहला वाला जो है आंसर वही आ रहा है, तो इसके लिए ये क्या हो गया, पी एंड टी हमेशा पी होगा, ठीक है, ये पहला रूल हो गया इसका, है ना, ये अपने आप में यहाँ पर चार रूल है, पहला वाला ये हो गया। इसका दूसरा रूल क्या बोलता है, दूसरा रूल देख लो, दूसरा रूल पी एंड टी का था ये, अब पी एंड फॉल्स का देखते हैं, मुझे एक बात बताओ पी एंड फॉल्स क्या होगा। अब पी एंड फॉल्स में एक सिंपल सा रूल देख लो, टी एंड एफ जो है और एफ एंड एफ है, मुझे बात बताओ दोनों केस में आंसर क्या है, दोनों केस में आंसर फॉल्स है, तो दोनों के केस में आंसर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये वाला है, क्योंकि एंड में एक भी फॉल्स आता है तो फॉल्स होता है, दो फॉल्स भी आते तो फॉल्स होता है, तो इसमें यहाँ पर ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा पी एंड एफ इक्वल आएगा एफ के, तो ये दूसरी आइडेंटिटी यहाँ पर आपको मिलती है, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये दूसरी आइडेंटिटी है जो यहाँ पर देखे रखी, ये वाली, ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा इसमें क्या होगा, अब एंड में होगा, अब तीसरा वाला एंड में होगा, तो आपको पी और सॉरी और में होगा, पी और एफ भी लेना है और यहाँ पर पी और टी भी लेना है, मतलब फॉल्स के साथ भी लेना है, ट्रू के साथ भी लेना है। तो मैं काम करता हूँ, पहले पी और टी ले लेता हूँ और पी और फॉल्स ले लेता हूँ। पी और टी लिया, और में क्या होता है, एक भी ट्रू आएगा तो ट्रू आएगा, एक भी फॉल्स आएगा तो फॉल्स आएगा। अब पी अगर ट्रू हो या फॉल्स हो, पी अगर ट्रू हो या फॉल्स हो, क्या आंसर आने वाला है,
यहाँ पर ट्रू ही आने वाला है, क्योंकि और में एक भी ट्रू होता है तो ट्रू होता है, तो यहाँ तो ऑलरेडी ट्रू है, यहाँ ऑलरेडी ट्रू है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये सिर्फ बाद वाले इसके ऊपर जो कि ट्रू है उसके ऊपर। तो पी और टी जो होगा टी होगा, और पी और एफ में ये पूरा पी के ऊपर डिपेंड करेगा। पी अगर एफ आता है तो एफ आएगा, पी अगर टी आएगा तो टी आएगा, तो पी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखो पहला वाला जो था कि पी और टी जो था, तो ये पी और टी टी के ऊपर हो गया, और पी और एफ जो था वो पी और एफ पी के ऊपर हो गया। इस तरह से ये वाला हो गया। मतलब ये सारे जो रूल्स हैं मैं आपको पूरे बता ही इसलिए दे रहा हूँ कि आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये हो गया आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में चार पार्ट्स होते हैं, मतलब जो स्टेटमेंट देके रखे वो ट्रू में भी देके रखा है, वो फॉल्स में भी देके रखा है। ये सारे लॉ एक कागज़ पे लिख लो और जहाँ पढ़ते हो वहाँ लगा लो और चलते फिरते रोज के एक दो देखते रहो। एक बार ये याद हो गया ना, फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। आइए दोस्तों इसमें अगला वाला लॉ करते हैं, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ लॉ। ये क्या बोलता है कि पी एंड निगेशन ऑफ पी, ये हमेशा फॉल्स होता है। पी एंड निगेशन ऑफ पी, अब कैसे भाई? अगर पी जो है ये बोलता है पी एंड निगेशन ऑफ पी, ये क्या होता है? पी एंड निगेशन ऑफ पी होता है फॉल्स। ऐसा क्यों? अगर पी जो है वो टी है तो इसका निगेशन हो जाएगा फॉल्स, और ट्रू और फॉल्स का एंड क्या होता है? तो फॉल्स होता है। वैसे ही पी और निगेशन ऑफ पी, ये क्या होगा भाई? पी अगर टी है और इसका निगेशन क्या होगा? फॉल्स होगा। तो ट्रू और फॉल्स में आंसर क्या आता है? तो ट्रू आता है, तो आंसर यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। देखो पहले वाले में ट्रू है, दूसरे वाले में सॉरी पहले वाले में फॉल्स है, दूसरे वाले में ट्रू है, ठीक है। आइए दोस्तों अगला लॉ करते हैं, एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या बोलता है कि पी और पी एंड क्यू, ये पी के इक्वल होता है, और पी एंड पी और क्यू ये पी के इक्वल होता है। दोनों कंडीशन, मतलब एक ही स्टेटमेंट अगर रिपीट हो रहा है, जैसे पी और पी एंड क्यू है तो ये भी पी होगा, और पी एंड पी और क्यू होगा तो ये भी पी के इक्वल होगा। ये एब्जॉर्प्शन लॉ है, ये बहुत कम जगह पर यूज होता है। कंडीशनल लॉ बहुत ज़्यादा जगह यूज होता है, कि दैट इज जिसको हम बोलते हैं कि पी इम्प्लाइज क्यू जो होता है, वो पी इम्प्लीकेशन क्यू किसके इक्वल होता है? निगेशन ऑफ पी और क्यू के। और पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू जो होता है वो किसके इक्वल होता है? तो पहले इसको हम ब्रेक करके लिखते हैं, दैट इज पी इम्प्लाइज क्यू और क्यू इम्प्लाइज पी। और अब यहाँ पर जो ऊपर वाला ये वाला लॉ है ना, ये वाला यहाँ भी लगा देते हैं, यहाँ भी लगा देते हैं। तो यहाँ लगाएंगे तो ये क्या होगा? ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा निगेशन पी और क्यू के, एंड ये निगेशन क्यू और पी के, इस तरह से। तो ये देखिए ये आ गया यहाँ पर, निगेशन पी और क्यू एंड निगेशन क्यू और पी, बिल्कुल। अब ये सारे के सारे लॉ आपको याद रखना है, और इसी के ऊपर हमारा पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज होने वाला है, ठीक है। इस चार्ट को अच्छे से समझ लो, अच्छे से बना लो, ठीक है। मैंने क्या करके रखा है, मैंने एक्सरसाइज के साथ में आपके लिए यहाँ पर जो लॉ है वो लगा के रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने लगाया नहीं है, एक पिछले अगले वाले में लगाया, मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ से आपके लिए, क्योंकि आपको अभी याद नहीं है मैं जानता हूँ, लेकिन हाँ आपको आगे काम में आएगा तो उसके लिए आपको मदद हो जाएगी। आइए दोस्तों एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोलता है? यूजिंग रूल्स ऑफ निगेशन राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग विद जस्टिफिकेशन। मतलब आपको निगेशन का रूल लगाकर आपको निगेशन निकालना और जस्टिफाई भी करना, मतलब आपको है रीज़न लिखना है कि आपने कैसे किया। मतलब वही मैंने आपको बताया कि लॉ जो लगा पाइथागोरस लगा था तो पाइथागोरस हम लिखते थे, बिल्कुल वैसे ही। तो याद देखिए मैंने दो लगा के रखे, कंडीशन और बाय कंडीशन। एक्चुअली ये ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं हमको, और बिल्कुल इनको साथ में रखिए। हालांकि मैंने अगले इसमें सारे के सारे लगा के रखे हर जगह पर आपके लिए, टेबल वैसा कैसा लगा दिया, क्योंकि अभी आपको याद नहीं है, ठीक है। अभी आपको याद नहीं, लेकिन हाँ अभी याद हो जाएगा, एक्सरसाइज करते करते याद हो जाएगा। पहला वाला क्या है, हमको निकालना है इसका निगेशन। तो यहाँ लिखिए दैट इज द इट्स निगेशन इज, ये देखिए निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज पी में लिखिए, इट्स निगेशन इज निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन क्यू इम्प्लाइज पी है, तो निगेशन तो आप बाहर ऐसा कैसे रखिए। देखिए निगेशन जब होता है तो क्या होता है, इम्प्लाइज पी इम्प्लाइज क्यू में क्या होता है, पी इम्प्लाइज क्यू लिखते समय निगेशन पी लिखते हैं हम, तो ये तो ऑलरेडी निगेशन में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निगेशन ऑफ निगेशन क्यू। बीच में क्या लगता है यहाँ पर, यहाँ पर लगता है और, तो यहाँ और लगाइए और यहाँ पी लगा दीजिए, और यहाँ पर कौन सा रूल लगा है हमारा, कंडीशनल लॉ लगा है, यहाँ कंडीशनल लॉ लगा है, ठीक है। वैसे ही क्या हो जाएगा, ये निगेशन बाहर ऐसा कैसे रहेगा, निगेशन का निगेशन क्या हो गया बेटा, ये निगेशन का निगेशन तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्यू हो गया और पी हो गया। अब क्या करेंगे हम, इस निगेशन का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब निगेशन का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंदर वाला बदल जाएगा, ये और है तो ये एंड हो जाएगा, ये हो जाएगा निगेशन ऑफ क्यू
एंड निगेशन ऑफ पी। और ये कौन सा लॉ है? ये है दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। ये क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ। बस हो गया जी, ऐसे इसको करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला वाला करते हैं, ये फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला करते हैं। क्या देखे रखा है? ये बोलता है पी एंड निगेशन क्यू, ठीक है, इसको ऊपर ले लेते हैं। पी एंड निगेशन क्यू का निगेशन लेना है तो लिखिए इट्स निगेशन इज निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। तो यहाँ पर क्या होगा, निगेशन का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, तो निगेशन ऑफ पी, और ये जो साइन है ये एंड की और हो जाएगी और निगेशन ऑफ निगेशन क्यू हो जाएगा। ये क्या लगा है यहाँ पर? यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ लगा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ पी और निगेशन निगेशन हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो गया क्यू, ठीक है। इस तरह से करना है। ये दूसरा वाला भी हो गया, एक काम कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते आगे। आइए दोस्तों अगला वाला करते हैं। अगला वाला भी बहुत सिंपल है। क्या देखे रखा है? पी और निगेशन क्यू, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर इट्स निगेशन निगेशन ऑफ पी और निगेशन क्यू। ये निगेशन का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो निगेशन ऑफ पी एंड का हो जाएगा और का हो जाएगा एंड निगेशन ऑफ निगेशन क्यू। ये क्या लगा है यहाँ पर? यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ लगा है, ठीक है। इस तरह से लगाना है और ब्रैकेट में लिखिए। मैंने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया, इसको ब्रैकेट लगाते चलिए, ठीक है। जो भी रूल लगाना है उसको ब्रैकेट लगाते चलिए, ठीक है। चलिए इस तरह से। इस तरह से एक और गलती हुई थी मुझसे, एक्चुअली कॉन्ट्रा पोजिशन लिख दिया था मैंने पिछले इसमें। एक्चुअली कॉन्ट्रा पोजिशन नहीं होता है, वो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है, ठीक है। हमने इन्वर्स और वो निकाला था उसमें, ध्यान रखिए, उसमें चेंज कर लीजिएगा, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। मैंने उसको कॉन्ट्रा पोजिशन लिख दिया, वो कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, ठीक है। हमारे यूज़र ने मुझे कमेंट करके बताया था, थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ हो जाता है मुझसे ऐसा तो मुझे बता दिया कीजिए, ठीक है। जनरली क्या होता है कि यहाँ मैं अकेले अकेले पढ़ाते रहता हूँ ना, आपको तो वीडियो मिल जाता है, मैं अकेले पढ़ाते रहता हूँ। क्लास में अगर होते तो बच्चे बता देते हैं कि सर सर, क्योंकि सॉल्व करते समय अगर आपका दिमाग कहीं चले गया तो आपसे गलती हो जाएगी, है ना। और उस दिन बहुत जल्दी हो रही थी, सॉरी बेटा उसके लिए। चले बढ़ते आगे। ये मैंने निगेशन लगा दिया है, डी मॉर्गन्स लॉ लिख लीजिए, ओके, ब्रैकेट लगा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये निगेशन ऑफ पी एंड का एंड निगेशन का निगेशन क्यू हो जाएगा। ये हो गया जी, बहुत सिंपल सा है। अगला वाला करते हैं। अगला वाला जो है बहुत अच्छा है, ये भी फोर्थ वाला। देखिए यहाँ पर फोर्थ वाला, फिर हम उसको ऊपर कर लेंगे। पी और निगेशन ऑफ क्यू एंड आर, ठीक है। हमको इसको करना है तो कैसे होगा ये? इसको करने के लिए यहाँ पर लिख लीजिए दैट इज इट्स निगेशन इज इट्स निगेशन इज तो निगेशन ऑफ, यहाँ लिखिए पी और निगेशन क्यू एंड आर, ठीक है। अब क्या होगा? सबसे पहले इस निगेशन का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये जो साइन है ना ये बदल जाएगी, ये एंड है तो और हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू और ये एंड का हो जाएगा और निगेशन ऑफ आर। ये क्या हो गया? यहाँ क्या लगा है? यहाँ लगा है डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ में होता है ना, ये देखिए डी मॉर्गन्स लॉ लिख के रखा, तो डी मॉर्गन्स लॉ हमने लगा दिया है। अब क्या होगा इस निगेशन का? अब इस निगेशन का अंदर फिर से मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगी। तो करो यहाँ पर क्या हो गया, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, ठीक है। इसको ऐसे रखिए ब्रैकेट में और ये और ही रखिए, निगेशन ऑफ आर और ही रहे, आर ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। तो ये क्या हो गया जी? ये हो गया निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन निगेशन हो जाएगा क्यू और निगेशन ऑफ आर। बस जी हो गया ये, इस तरह से करना, ये इसका आंसर है, ठीक है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते आगे। देखिए इसमें यहाँ पर मैंने यहाँ पर भी डी मॉर्गन्स लॉ लगाया, तो यहाँ भी डी मॉर्गन्स लॉ लिख लीजिए, ठीक है। ये छूटना नहीं चाहिए, एकदम से ध्यान में आए, ठीक है। इसको इस तरह से करना है, ठीक। चलिए बढ़ते आगे, अगला वाला करते हैं। इसमें फिफ्थ वाला बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही अच्छे, ये कुछ अब चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ये पी इम्प्लाइज पी और निगेशन क्यू, तो यहाँ लिखिए इट्स निगेशन इज तो निगेशन लगा दीजिए, पी इम्प्लाइज पी और निगेशन क्यू। तो हमारा जो क्या कहते हैं कंडीशनल लॉ है, कंडीशनल लॉ क्या बोलता है कि पहले तो निगेशन आप ऐसा कैसा बाहर ही रखिए, अंदर वाले को बदल दीजिए पी इम्प्लाइज। तो पहले वहाँ पर जब पी इम्प्लाइज होता है तो क्या होता है बेटा, देखो पी इम्प्लाइज क्यू जब हो तो निगेशन पी हो जाता है और क्यू हो जाता है। तो इसका पहले वाले का निगेशन करना है हमको,
तो पहले वाले का निगेशन हो जाएगा निगेशन पी, क्या हो जाएगा, पहले वाले का निगेशन पी और हो जाएगा पी और निगेशन क्यू, ये हो गया। अब देखिए, अभी सबसे पहले ये कंडीशन लगाई तो यहाँ पर कौन सा लॉ लगा है, यहाँ कंडीशनल लॉ लगा है, यहाँ लगा है कंडीशनल लॉ, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। अब क्या होगा जी, ये निगेशन ऐसा कैसे रहने दीजिए अभी, ठीक है, यह काम कीजिए निगेशन अंदर ले लीजिए, निगेशन का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जाएगा निगेशन ऑफ निगेशन पी, यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ एंड है तो ये क्या हो जाएगा, तो सॉरी और है तो एंड हो जाएगा, और फिर निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, क्या लगा ये, यहाँ पर लगा है ये देखिए डी मॉर्गन्स लॉ, ये मारा यहीं पर है, इसको ब्रैकेट लगा के यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, निगेशन ऑफ निगेशन पी क्या हो जाएगा बेटा, पी हो जाएगा, एंड का एंड रहेगा। अब इस निगेशन का अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो है ये और है, ये एंड में बदल जाएगा, मतलब डी मॉर्गन्स लॉ हो जाएगा, तो क्या होगा ये देखो, यहाँ ये हो जाएगा निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, और यहाँ लिख दीजिए डी मॉर्गन्स लॉ, ब्रैकेट लगा दीजिए, जस्टिफिकेशन करना इसके लिए लगाना पड़ रहा है और कुछ बात नहीं, ये पी एंड ये हो जाएगा निगेशन पी एंड निगेशन निगेशन क्यू, तो निगेशन हट जाएगा क्यू लग जाएगा, ठीक है जी, ऐसे इसको करना है, ठीक, बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते आगे। आइए इसमें सिक्स्थ वाला करते हैं, सिक्स्थ में यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्या देख रखा है, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू और पी और निगेशन क्यू, चलो भाई बहुत बढ़िया, ये कुछ बड़ा सा दमदार क्वेश्चन हमारे सामने आया है, हमको इसका निगेशन निकालना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, सिंपल सा है, डरने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ लिखिए इट्स निगेशन इज, ठीक है, लिखिए यहाँ पर दैट इज इट्स निगेशन इज, क्या होगा निगेशन इसका, ये हो जाएगा निगेशन ऑफ ब्रैकेट में निगेशन ऑफ पी एंड क्यू और पी और निगेशन क्यू, एक बार क्वेश्चन चेक कर लो यार, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू और पी और निगेशन क्यू, पी और निगेशन क्यू बराबर, ठीक है, चलो जी अब इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इस निगेशन का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये साइन यहाँ की जो है बीच का, यहाँ क्या देख रखा बेटा, यहाँ और देख रखा, ये बदल जाएगा एंड में, डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा, लगाओ यहाँ पर निगेशन ऑफ निगेशन पी और क्यू, सॉरी पी एंड क्यू, निगेशन ऑफ निगेशन पी एंड क्यू है, ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर और जो है ये और का एंड हो जाएगा और ये हो जाएगा निगेशन ऑफ पी और निगेशन क्यू। अब क्या होगा, निगेशन निगेशन का मल्टीप्लाई कर लो तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा, पी एंड क्यू हो जाएगा, इस पर कोई चिंता वाली बात नहीं, एंड का एंड, इस निगेशन का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अगेन साइन चेंज हो जाएगी, निगेशन ऑफ पी और है तो ये एंड हो जाएगा, ये देखिए ये जो है ये और है, ये क्या बदल जाएगा, ये एंड में बदल जाएगा और निगेशन ऑफ निगेशन क्यू हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये होगा पी एंड क्यू एंड निगेशन पी एंड क्यू, इस तरह से होगा। अब इसमें देखो एक चीज़ देखा जाए तो यहाँ पर एक चीज़ कॉमन दिख रही है, ये कॉमन क्या दिख रही है, ये दिख रही है, देखो निगेशन ऑफ ये एंड क्यू दोनों जगह है, तो क्या हमको कॉमन निकालते आएगा, ये क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए पहला पी है, पी एंड निगेशन पी, पी एंड निगेशन पी एंड क्यू, है ना, अब यहाँ मैंने पहला कौन सा लॉ लगाया था, मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया है निगेशन का, तो यहाँ पर मैंने डी मॉर्गन्स लगाया, लिखते चलना था हमने, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ लिख लो इसको पहले वाले को, ठीक है जी, फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने अगेन डी मॉर्गन्स लगाया अंदर यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि और का एंड हो गया, ठीक है, यहाँ फिर से हमने डी मॉर्गन्स लगाया, ठीक है, और अब क्या हुआ, यहाँ पर यहाँ कंडीशन हमने यहाँ पर कॉमन निकाला, कॉमन किस में निकालते थे भाई, हम देखो जरा कौन सा था कॉमन निकालने वाला और अंदर मल्टीप्लाई करने वाला, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, देखो ये हम यहाँ पर करते थे ना, ये हम जो करते थे जहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया इसी में हम कॉमन निकाल लेते थे, देखो ये जो था ये कॉमन, ये पी एंड जो था इसको आप पी एंड क्यू के साथ भी लिख सकते हैं, तो उल्टा लगा उसका, है ना, उसका उल्टा लगा है, ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको यहाँ पर लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ,
ठीक है, यहाँ लिखो फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एक मिनट रुको यार, ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको हम थोड़ा बड़ा करके, एक मिनट, हाँ जी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब एक और बात, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने लगाया, ठीक है, यहाँ आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, ठीक है, लगा दिया। अब क्या कीजिए, यहाँ पर देखिए पी एंड निगेशन, पी ट्रू है तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और ट्रू और फॉल्स क्या होता है, अगर ये ऐसा हो जाए पी एंड निगेशन पी है, ये ट्रू हो जाए तो ये निगेशन ऑफ ट्रू, मतलब ट्रू एंड ये हो जाएगा फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स होता है, तो ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा फॉल्स हो गया। और फॉल्स एंड क्यू क्या होता है बेटा, फॉल्स एंड क्यू क्या होता है, अगेन ये भी फॉल्स ही होता है, तो ये इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे, ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हमने किया है, इसको अगर आप आंसर चेक करते हैं ना आपकी टेक्स्ट बुक में, तो वो यहीं पर है, इतना ही आंसर है, मैंने इसको दो स्टेप ज़्यादा आपको करवा दिया, ठीक है, तो आप यहाँ तक करें अब यहाँ तक करें। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर अब हमको कैसे समझेगा, तो बेटा जब एक मार्क का होगा तो उसको यहाँ ला के रोक दो, ठीक है, इतना ला के रोक दो, इसको पूरा जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये बोल सकते हैं इसको ट्रू के इक्वल फॉल्स के इक्वल प्रूफ करो, तो उस कंडीशन में आप इसको ऐसे ले सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है जी। और यहाँ पर भी हमने एक रूल लगाया है कि ये एफ एंड क्यू दे के रखा है, एफ एंड क्यू कहाँ पर है, एफ एंड क्यू कहाँ पर है, देखिए क्यू एंड एफ हमने किया था, है ना, एफ एंड क्यू कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए ये पी एंड एफ था, तो मैंने ये लगाना चाहिए था, ये वाला, ये कौन सा लॉ था, आइडेंटिटी लॉ था, है ना, इसको आप यहाँ पर आइडेंटिटी लॉ लगा सकते हैं, और आइडेंटिटी लॉ से होता है ये आइडेंटिटी लॉ है, ठीक है, तो मैंने इसको दो स्टेप ज़्यादा आपको करवा दिया, चलिए कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं, अच्छा है आपके लिए, दो स्टेप ज़्यादा करना अच्छा है, ठीक है, एक स्टेप कम करने से, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं आगे, मैंने अभी आंसर चेक किया कि देख ले आंसर सही है क्या, तो आंसर अगली स्टेप पे आ गया, ठीक है, इसका आंसर आपको शॉर्ट पे देख रखा है। चलिए अगला करते हैं, मैं ध्यान रखूँगा कि अब ज़्यादा आपको उसमें प्रॉब्लम ना आए, ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों, सेवन्थ वाला क्वेश्चन करते हैं, ये भी बहुत बढ़िया है, क्या बोलता है, पी और निगेशन क्यू इम्प्लाइज पी एंड निगेशन क्यू, बहुत अच्छे। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखो, इट्स निगेशन इज पी और निगेशन क्यू, बाहर निगेशन लगा दो, इम्प्लाइज पी एंड निगेशन क्यू, ये बाहर का निगेशन तो अभी ऐसे ही रहने दो, अंदर देखो बेटा ये इम्प्लाइज है, तो यहाँ कंडीशनल लॉ लग रहा है, कंडीशनल लॉ लगता है यहाँ पर, क्या करते हैं उसके लिए, हम ये पहले वाले का निगेशन ले लेते हैं, पहले वाले का निगेशन ले लेते हैं, और करके दूसरा वाला लिख देते हैं, देखो ये दिख रहा है यहाँ पर क्लियर, या नीचे देखो, मतलब आपको बड़ा ही करके बता दे, ये देखो पी इम्प्लाइज क्यू होगा, तो पहले वाले का निगेशन और करके दूसरा वाला, ठीक है, तो हमने भी क्या करा यहाँ पर, यहाँ पर हमने वही किया, एक मिनट रुको, यहाँ हमने वही किया है कि पहले वाले का, ये पहले वाले का हमने क्या किया, निगेशन कर लिया पहले वाले का, और करके दूसरा वाला एज इट इज यहाँ पर लिख दिया, कोई बदलाव नहीं है, ठीक है, तो ये जो निगेशन है ना, इस निगेशन को अभी ऐसे ही रखो, इसको तो अभी हाथ नहीं लगाना हमको, ठीक है, ये बाहर का जो निगेशन है इसको ऐसे ही रहने दो, अंदर वाला जो निगेशन है इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निगेशन ऑफ पी और का हो जाएगा एंड निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, ब्रैकेट लगा दो इसको, और ये और का और रहने दो, और पी और निगेशन क्यू, यहाँ जो हमने लगाया ये क्या हो गया, ये यहाँ पर हो गया डी मॉर्गन्स लॉ, हमने क्या लगाया यहाँ पर, डी मॉर्गन्स लॉ लगाया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जरा इसको और सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन, निगेशन हो जाएगा पॉजिटिव, और पी एंड निगेशन क्यू, अब इस निगेशन का यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये वाली जो साइन है और की, ये एंड में बदल जाएगी, ठीक है, तो बदल दो उसको, क्या हो गए, निगेशन ऑफ निगेशन पी एंड क्यू, ये हो जाएगा एंड निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ये एंड ही है जी, हाँ जी, ओके ओके ओके। अब क्या होगा, इस निगेशन का अंदर मल्टीप्लाई कर दो भाई,
तो ये जाएगा निगेशन का, निगेशन पी, एंड का हो जाएगा और, निगेशन ऑफ क्यू अगेन एंड, एक मिनट रुको, ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, हमने इसको, हाँ जी हमने ले लिया है, मैं इसको ब्रैकेट लगा देता हूँ और अब कर लो, ये हो जाएगा निगेशन ऑफ निगेशन पी, ठीक है, निगेशन ऑफ निगेशन पी और निगेशन क्यू, फिर एंड का एंड, फिर ये हो जाएगा निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, फिर से यहाँ पर डी मॉर्गन्स लगा, ठीक है, यहाँ पर फिर से डी मॉर्गन्स लॉ लगा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी और निगेशन क्यू एंड निगेशन पी और क्यू, ठीक है, इस तरह से, तो ये इसका आंसर है। चलिए जी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों अगला वाला करते हैं, एट्थ वाला, क्या देके रखा है एट्थ वाला, एट्थ वाला बोलता है निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू और पी एंड निगेशन क्यू, ठीक है, तो आते हैं आगे, इसी को करते हैं, ये आगे, चलिए करते हैं इसको। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका निगेशन लेना, तो यहाँ लिखिए इट्स निगेशन इज निगेशन ऑफ निगेशन पी और निगेशन क्यू और पी एंड निगेशन क्यू, लेट अस चेक, एक बार फिर से चेक कर लो, वही है क्या, वही लिखा है निगेशन ऑफ पी और निगेशन क्यू, ओके, और पी एंड निगेशन क्यू, ओके जी, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर इक्वल लगा लेता हूँ, निगेशन का पहले इस ब्रैकेट के बाहर ले आओ, ये एंड का और हो जाएगा और इसके साथ लगा दो निगेशन, तो पहला निगेशन लगेगा ब्रैकेट के बाहर, वो होगा निगेशन ऑफ पी और निगेशन क्यू, इसको मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ अलग से, ये एंड हो जाएगा और निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन क्यू, ये क्या लगा बेटा यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमने पहला वाला जब किया था तो हमने यहाँ पर जो है कंडीशनल लॉ लगाया था, वो लिखा नहीं मैंने, मुझे भी याद आ रहा है, ठीक है, ये कंडीशनल लॉ था, ठीक है, जहाँ जो लॉ लगते हैं ना वो लगाते चलो, जैसे यहाँ पर अभी क्या लगा, अभी तो हमने सिर्फ निगेशन को अंदर मल्टीप्लाई किया लेकिन साइन बदल गई है, लेकिन यहाँ पर साइन बदल गई है, वो लगा यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, ये डी मॉर्गन्स लॉ हो गया, तो क्या हो गया बेटा, ये हो गया निगेशन ऑफ निगेशन पी और ये जो और है ये एंड बदल जाएगा बेटा, निगेशन ऑफ निगेशन क्यू एंड निगेशन ऑफ पी, ये और हो जाएगा निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, ठीक है ना, देखो जरा ध्यान से, यहाँ जो एंड था और था वो एंड हो गया निगेशन का, इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया था और इस निगेशन का अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये एंड है, ये और हो गया इस पूरे में, ऐसे किया, ठीक है, बहुत ध्यान से करो बेटा, बहुत ध्यान से करो, क्लियर हो जाएगा। चलिए अब तो हो गया सिंपल सॉल्व, ये हो गया निगेशन ऑफ निगेशन पी, तो पी हो गया, पी एंड क्यू हो गए एंड, ये हो जाएगा निगेशन ऑफ पी और क्यू, हो गया जी, इस तरह से करना है, बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेट मी चेक द आंसर, हाँ जी करेक्ट है, ठीक है, आंसर इसलिए चेक कर ले रहा हूँ कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। चलिए बहुत सिंपल है बेटा, बहुत बढ़िया है, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, रीड राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट देके रखे वो इफ देन यूज करके रखे, ठीक है, अब अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ दो दो स्टेटमेंट है, ये पहला है अ मैन इज अ जज और ही इज ऑनेस्ट, ओके, तो वॉट यू हैव टू डू हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद होगा कि वी हैव डन सम क्वेश्चंस इन द प्रीवियस एक्सरसाइज वेयर वी हैव सपोज, ओके, लेट पी एंड क्यू हमने किया था ना, याद है आपको, स्टेटमेंट को सपोज करके स्टार्ट किया, तो बिल्कुल वैसे स्टार्ट करना है, और इफ देन में इम्प्लीकेशन की साइन होती है, अगर हम इम्प्लीकेशन को हटाते तो क्या होता है, हमने कंडीशनल लॉ में सीखा है कि अगर इम्प्लीकेशन को हटा दे तो पहले वाले का निगेशन ले लेते और करके दूसरा वाला लगा देते, तो बहुत सिंपल सा इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है, तो पहले इसको सपोज कर लो, पहला वाला मैं ले रहा हूँ, ठीक है, और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर लेट, लेट पी जो है ये लिखिए अ मैन इज अ जज, ये पहला हो गया, और क्यू क्या है भाई, क्यू है ही इज ऑनेस्ट, ओके, ही इज ऑनेस्ट, वो ऑनेस्ट है। अब यार दो बातें हो गई, अब ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, अब इस पूरे स्टेटमेंट को अगर मैं इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखूं तो क्या होगा, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा,
इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा भैया पी इम्प्लाइज क्यू, क्योंकि इफ देन में, अब मुझे तो इफ देन रिमूव मतलब मुझे इफ देन रिमूव करना है, तो मैं काम करता हूँ पी इम्प्लाइज क्यू नीचे लिख लेता हूँ और मैं इसको इक्वल लगा के इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, निगेशन ऑफ पी और क्यू कर देता हूँ। ये बाय द कंडीशनल लॉ, कौन से लॉ से कन्वर्ट किया, बाय कंडीशनल लॉ, बहुत सिंपल है यार, कुछ चिंता वाली बात नहीं है। अब क्या होगा, निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ पी को क्या बोलोगे आप, निगेशन ऑफ पी मतलब अ मैन इज अ जज, तो उसका निगेशन क्या होगा, इसका निगेशन होगा अ मैन इज नॉट अ जज। लिखो यहाँ पर, यहाँ लिखिए कि द स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन द रिक्वायर्ड स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन इज, कलर बदल देता हूँ मैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा यार, चीज़ें जरा सुंदर लगती है। क्या हो गई, अ मैन इज जज, तो इसको लिख दो अ मैन इज नॉट अ जज, और यहाँ देखे रखा, क्या देख रहे हैं, और देखे रखा, ये क्या है, ये और है, तो इसको और लिख दो, और करके दूसरा सेंटेंस लिख दो, ही इज ऑनेस्ट और ही इज ऑनेस्ट, ये आपका रिक्वायर्ड स्टेटमेंट हो गया। कितना सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है, आराम से करोगे इसको, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। वैसे ही सेकंड वाला करेंगे, सेकंड वाला क्या देख के रखा है, जरा मैं इसको भी हाईलाइट कर दूँ। सेकंड वाला है, यहाँ देख के रखा है इफ, ये इफ होगा, ये इट नहीं है, है ना, ये इफ होगा, इफ टू इज अ रैशनल नंबर देन, ये इफ होगा क्योंकि हमको इफ देन रिमूव करना है ना, इसको इफ कर दो, ठीक है, इसको इफ कर दो। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर भी दो स्टेटमेंट है, पहला वाला क्या है टू इज अ रैशनल नंबर, और दूसरा वाला क्या है रूट टू इज इरैशनल नंबर, ठीक है। यहाँ क्या देख रखा है, यहाँ लिखिए लेट, सेकंड वाला यहीं कर देता हूँ, पी क्या है टू इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, और दूसरा क्या है क्यू वाला रूट टू इज इरैशनल, रूट टू इज इरैशनल नंबर, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, सिंबॉलिक फॉर्म होगा पी इम्प्लाइज क्यू, मुझे पी इम्प्लाइज क्यू हटाना है, तो हमारा जो लॉ है कंडीशनल लॉ, वो क्या बोलता है, निगेशन ऑफ पी और क्यू हम कर देते हैं, इसको कर लो कंडीशनल लॉ, ठीक है, यहाँ लगा दो, तो निगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, अब ये यहाँ लिखिए द रिक्वायर्ड स्टेटमेंट इज, द रिक्वायर्ड स्टेटमेंट इज क्या होगा, पहला वाला हमको निगेशन में लिखना है, पहला वाला क्या करना है हमको बेटा, निगेशन पी लिखना है, तो पहला है टू इज अ रैशनल नंबर, तो यहाँ लिखिए टू इज नॉट अ रैशनल नंबर, टू इज नॉट अ रैशनल नंबर, फिर बीच में और दिया, देखो यहाँ और दिया है, और क्यू है तो और का और लिख दो, और क्यू क्या है, क्यू है रूट टू इज इरैशनल नंबर, रूट टू इज इरैशनल नंबर, ठीक है जी। चलिए मैं इसको भी बॉक्स लगा देता हूँ, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया यहाँ पर, ठीक है जी। फिर बढ़ते हैं हम आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ठीक है जी, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों थर्ड वाला करते हैं, थर्ड वाला भी बढ़िया है। थर्ड वाला क्या बोलता है, थर्ड वाला बोलता है कि इफ एफ एफ ऑफ टू जीरो है, ओके मैं यहाँ लिख लेता हूँ थर्ड वाला, इनका कलर बदल देते हैं यार, ये है इफ एफ ऑफ टू जीरो के इक्वल है देन एफ ऑफ एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस टू है, ठीक है। एक काम कीजिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर जो है ओके जी, अभी मैं काम करता हूँ, हाँ जी इसको कर लेते, मैंने कन्वर्ट कर लिया इसको थोड़ा सा अपने फ़ायदे के लिए, क्या आपको प्रॉब्लम नहीं है, जगह ज़्यादा मिल जाती है ना, लो चेंज कर दिया तो ठीक है जी, एक मिनट रुकिए। बिल्कुल देखिए, पिछला क्वेश्चन जैसे किया कि ये इफ और देन मुझे रिमूव करना है, तो मुझे बीच के जो दिख रहे हैं ना, इनको मैं
पी इसको सपोज कर लेता हूँ, की इसको सपोज कर लेता हूँ, है ना, ये पी हो जाएगा सॉरी, और ये क्यू हो जाएगा। तो पी क्या हो गया, पी क्या हो गया, लिखो यहाँ पर लेट पी जो है वो एफ ऑफ टू इज इक्वल टू जीरो है, और क्यू जो है वो है एफ ऑफ एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस टू है, ठीक है, ऐसा है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे यू हैव टू राइट हियर दैट, सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा इसका, हमको इफ देन हटाना है, सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा p इम्प्लाइज q, तो किसके इक्वल होता है, निगेशन ऑफ p और q के इक्वल होता है, ये किससे होता है, कंडीशनल लॉ, ठीक है। तो निगेशन ऑफ p क्या हो जाएगा, f इज f ऑफ 2 इज 0, तो नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, यहाँ लिखिए द रिक्वायर्ड स्टेटमेंट इज f ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू 0 और f ऑफ x इज डिविजिबल बाय x माइनस 2, ठीक है जी, ऐसे इसको करना है, ठीक है, बहुत डिटेल में हमारा ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन नंबर 3 को हम अगले वीडियो में बिल्कुल डिटेल में करेंगे, क्योंकि भले ही 4-5 क्वेश्चन हो उसमें, भले ही 4 क्वेश्चन हो, लेकिन 4 क्वेश्चन बहुत तगड़े क्वेश्चन है और एग्जाम में एक क्वेश्चन इसमें से बनता है, तो इसको डिटेल में हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए पोनो एकेडमी, धन्यवाद।